स्वामिन् नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्यसिन्धो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीयकटाक्षदृष्ट्या रिज्व्यातिकारुण्य सुधाभिवृष्ट्या स्वामिन्नमस्ते 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 यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः विचक्षणाय चरणोपसाधनात् संगं व्युदस्यो भयतो अन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमाः तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः जय गुरु जय गुरु जय गुरु हमें लगता है समर्पण करना है इससे लोग डर जाते हैं इसीलिए लोग इतने नहीं आ रहे हैं शुरू के दिन बहुत सारे आ रहे थे और फिर समर्पण करना पड़ेगा जैसे कल हम बता रहे थे ना कि वो बाबा के गुरुदेव के स्थान पर पूर्णाश्रम में वो एक भक्त बोल रही थी आप तो बोल रहे हैं कि कुछ मेरा नहीं है सब कुछ चला जाएगा ऐसा सोचना है तो मन दुखी हो जाता है डर लगता है तो सुनना तो सब चाहते हैं पर अभ्यास करने के लिए कुछ कहा जाए तो वो अच्छा नहीं लगता कोई बात नहीं पर जितना भी सुने वो रह जाता है मन में और किसी ना किसी समय उसका प्रयोजन भी होता है वो काम में भी आ जाता है तो हम लोग देख रहे थे जी समर्पण हम एक बार फिर से दोहराएंगे कि एक बहुत ही मामूली नहीं है छोटी सी पर बहुत ही प्रधान एक भावना अगर हम रख सकें कि भगवान हम आपके हैं आप हमारे हैं हम आप ही के अंश हैं हम आप ही सब कुछ के मालिक हैं हम किसी चीज़ के मालिक नहीं हैं कुछ भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ऐसी एक भावना जो कुछ भी हम कर रहे हैं सब कुछ भगवान की ही है ये जो भावना इसमें अगर हम दृढ़ रूप में स्थित हो सके तो वही समर्पण हुआ और व्यवहार में जब आता है ये तो हुआ एक भावना ये एक भावना हुई पर व्यवहार में कैसे करेंगे व्यवहार में जो कुछ भी आता है जीवन में जो कुछ परिस्थिति उस सब को सब कुछ में एक समभाव रखना ये है समर्पण हम लोग समर्पण सोचते हैं कि हम कुछ चढ़ा देते हैं भगवान को वो समर्पण नहीं है मन बुद्धि से जब हम इस ज्ञान में स्थित हो जाते हैं कि जो कुछ भी है भगवान का ही है और उसमें हम बिल्कुल भी विचलित नहीं होते हैं जो कुछ भी आता है उसको ग्रहण करते हैं जो कुछ जाता है उसको जाने देते हैं समभाव रखते हुए ये है समर्पण और फिर उसमें हम बहुत कुछ चर्चा किए और फिर कल हम देख रहे थे कि हम बता भी रहे थे कि ये सब गुण जो है ना ये गुण
भक्तों का गुण, ज्ञानियों का गुण जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसमें ये कहा जाता है कि एक ज्ञानी जो है उसके जो लक्षण हैं भक्तों को, भक्तों की जो लक्षण है वो कोई भी साधक के लिए वो साधना बन जाती है। जैसे हम जानते हैं, हमने देखा है कि भगवद गीता में 12वां अध्याय में क्या बोले हैं, भक्तों के लक्षण। तो जो कुछ भी लक्षण हैं, अगर हम एक भक्त बनना चाहते हैं वो हमारी साधना हुई, तो हमारे लिए साधना के लिए वो लक्षण हमको पाना पड़ेगा, उसको हमको प्राप्त करना पड़ेगा, वही हमारी साधना। और हम कल ये भी बता रहे थे कि इसमें ना बहुत अच्छा रहता है जब हम कोई जीवनी पढ़ते हैं किसी एक साधक का, किसी एक ज्ञानी का, जिनमें ये सब गुण हैं, तब बहुत आसानी से पढ़ते हुए वो उनके जो जीवन है उसमें कैसे कैसे क्या क्या हुआ, उससे बहुत उत्साह भी मिल जाता है और वो मन में रह भी जाता है। तो हम लोग देख रहे थे ऐसा ही एक चरित्र जो कि श्रीमद् भागवत में है, प्रह्लाद की चरित्र। प्रह्लाद की कहानी आप सभी जानते हैं, कल हम छोटा से बता भी दिए थे, पर अभी हम थोड़ा विस्तार में देख रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रह्लाद के पिताजी विष्णु के विद्वेषी थे और प्रह्लाद जो थे वो विष्णु भक्त थे, और उसी के कारण उसके पिताजी उसको बहुत बार मारना भी चाहे पर भगवान ने उसको रक्षा कर लिया था। पर आखिर में जब उसके पिताजी गुस्से होकर के खंबा को तलवार से आघात किए, तो वहाँ से नरसिंह रूपी विष्णु भगवान निकल के उसका संहार कर दिया हिरण्यकशिपु का। ये है कहानी, पर विस्तार में अगर हम देखें उसमें बहुत कुछ सीखने का है। वो क्या सीखने का है कि प्रह्लाद का समर्पण क्या था, जो कुछ भी आया है वो ग्रहण करता गया, उसी में स्थित रहा, समभाव रखा। उसको यही नहीं लगा कि भगवान ने क्यों हमारे साथ ऐसा किया, हम लोग सब भक्त हैं पर जब कुछ ऐसी विपत्ति में हम पड़ जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे साथ क्यों, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मेरे को ऐसा किया भगवान ने, ये हमारे में एक शिकायत रहती है। पर प्रह्लाद के मन में वो कुछ नहीं था, भगवान जैसा कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और उसके मन में भगवान के प्रति जो भक्ति थी वो कभी भी घटा नहीं, वैसा ही रहा। इसलिए ना भगवान की भक्ति जो कहते हैं, भक्ति को इस तरह बोला जाता है, ये भक्ति क्या होती है, भक्ति का एक श्रीमद् भागवत में ऐसा करके इसको वर्णन किए हैं, मद्गुण श्रुति मात्रेण मई सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोम्बुधौ लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम् अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। भक्ति क्या है, हम लोग तो भक्ति भक्ति करते रहते हैं ना, श्रीमद् भागवतम जो कि एक भक्ति के ऊपर एक शास्त्र है, उसमें कैसा करके वेदव्यास ने भक्ति को वर्णन किया है, क्या बोल रहे हैं, मत गुणश्रुति मात्रेण। जब मेरे बारे में भगवान बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, जब मेरे गुण को सुन करके मेरे बारे में जो मेरे जो गुण हैं, हमने जो कुछ भी लीलाएं की हैं वो सुन करके, मन गति ही अविच्छिन्ना, मन एक अविच्छिन्न रूप से, अविच्छिन्न क्या है, जिस जो ब्रेक नहीं करता है, एकदम चलती रहती है, अविच्छिन्न रूप से एक जैसे नदियाँ, हालांकि करके गंगा नदी जैसे करके समुद्र की तरफ चलने लगती है, उसी तरह मेरे बारे में भगवान के बारे में सुन करके जब मन उसी तरह एक नदी की तरह चलने लगते भगवान के प्रति, तब उसको कहते हैं भक्ति। क्यों नदी का उपमा है इसमें, नदी का देखिए कहाँ से नदी निकलती है, नदी का जो सोर्स होता है ना, ऊपर हिमालय पर्वत से, फिर उधर से ऊपर से नीचे गंगा सागर तक जा रही है,
रास्ते में कितना कुछ है, पर्वत है, पहाड़ है, फिर गांव है, शहर है, कितना कुछ है, सब कुछ पार करके कहीं भी वो रुकती नहीं है। कितना भी बाधा मिले, उस बाधा को अतिक्रम करके वो नदी का क्या होता है, उसके मन में सिर्फ समुद्र की गान होती रहती है। किसकी किसका जप होता रहता है, समुद्र 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 समुद्र। इसी तरह मन एकदम किसी भी बाधा को ना देखते हुए वो नदी जो है समुद्र की तरफ चलती रहती है, चलती रहती है। और किस तरह, नदी को कुछ पाने का नहीं है, वो किसी पाने की इच्छा से नहीं जा रही है, किसी एक कारण है ऐसी नहीं है, अनमोटिवेटिव विदाउट एनी रीज़न, क्योंकि उसको नदी समुद्र पसंद है, प्रिय है, समुद्र के प्रति प्रेम है, और ये भी जानती है कि वो वहाँ जाके मैं विस्तृत बन जाऊँगा, जाएंगे हमको एक व्याप्ति मिल जाएगी, वो जान करके नदी चलती रहती है। तो उसी तरह नदी जैसे जब मेरे गुणगान को सुन करके किसी भक्त का मन इसी तरह मेरे तरफ आने लगती है, कोई भी कारण के बजाय, बिना कारण का, और एकाग्र अनन्य रूप से मेरे में ही मन को समा करके, तब उसको बोलते हैं भक्ति। और ये जो भक्ति है वो सब तीनों गुणों की परे हैं। वो भक्ति गुण के अधीन नहीं होता है, वो भक्ति है गुणातीत। तो ये जो है इसको बोल रहे हैं अहैतुकी अव्यवहिता। अहैतुकी क्या है, भक्ति वही है, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जब भक्ति जो है उसको बोल रहे हैं अहैतुकी, अहैतुकी का अर्थ समझते हैं, कोई हेतु नहीं है, कारण नहीं है, ऐसे ही भक्ति होती है मन में। तो ऐसी भक्ति हम भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं किसी कारण के वजह, कोई कारण नहीं है, हमारा मन भगवान के बारे में सोचने से, भक्ति से, प्रेम से गदगद हो जाते हैं। और वो होता है किसके साथ, सिर्फ भगवान के साथ ही होता है, बाकी किसी के साथ भी देखिए प्रेम होता भी है तो उसमें एक एक्सपेक्टेशन रहती है, आशा रहती है, एक आदान प्रदान रहता है कि वो कुछ हमें मिलेगा, हम भी कुछ देंगे, ऐसी नहीं। और अप्रतिहता नहीं तो अव्यवहिता, वो क्या है, कुछ भी अगर विपत्ति भी हो जाए भक्ति घटती नहीं है। जैसे आम तौर में लोगों की भक्ति घट जाती है, यही क्वेश्चन करने लगते हैं ना कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये है भक्ति। तो हमने देखा कि प्रह्लाद में ऐसी भक्ति थी, वो भगवान को प्रेम करते थे और स्वाभाविक रूप में प्रेम करते थे। उसका ऐसा हो गया था कि वो हमेशा उनको लगता था कि हम भगवान से आलिंगित हैं। गोविंद परिरंभितः, अपने कल दोहराया था ना, गोविंद परिरंभितः, हम भगवान से आलिंगित हैं, भगवान हमको आलिंगन करके रखे हुए हैं। और वैसे एक आलिंगन वो हमेशा अनुभव करते थे सब कामकाज में, दैनंदिन जो कुछ भी होता था, सुबह से उठ के खाते थे, पीते थे, चलते थे, बोलते थे, कुछ कर्म करते थे, सभी कुछ में वो उससे वो जो एक आलिंगन की एक भाव अनुभव, उससे वो गिरते नहीं थे कभी, वो कभी भी छुटता नहीं था। तो ये जो प्रह्लाद, इसको इसके पिताजी, अब जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, 7 साल का हो गया था, उससे पहले ही उसको पढ़ाने के लिए 2 टीचर रख दिए, उनके गुरु जो थे शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे शंड और अमरक, उन दोनों को टीचर रख दिया। और बच्चे भी थे, उन बच्चों के साथ प्रह्लाद भी पढ़ता था। तो प्रह्लाद कुछ दिनों के बाद उसके पिताजी उसको बुलाएं और खूब प्यार से उसको अपने गोद में बैठा के अच्छी तरह चुंबन करके सिर में हाथ
ऐसा करके पूछे, बेटा बताओ थोड़ा तुमने क्या सीखा है। तो प्रहलाद ने क्या कहा, प्रहलाद कहने लग गए, मैं तो देखता हूँ कि ये जो मानव जीवन है उसमें सभी लोग एक अपने आप को आत्मा समझने लगते हैं और उसी के कारण वो हमेशा बहुत ही दुख और शोक में गिरे रहते हैं। हालांकि आत्मा जो है उसमें तो कुछ है ही नहीं, पर ये जो असत जो है, आत्मा जो है वो सत है और असत देह के साथ उसकी जो एक तादात्म्य हो गया है उसके लिए सभी लोग बहुत ही दुखी रहते हैं, शोकग्रस्त रहते हैं, भयग्रस्त रहते हैं। उनको पता ही नहीं कैसा करके इसके ऊपर वो जा सके। तो हमें तो लगता है जो गृहस्थी में रहते हैं उन सभी का यही हाल है, शोकग्रस्त हो जाते हैं, दुख भयग्रस्त हो जाते हैं। और इसीलिए उन सभी को चाहिए कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के श्री विष्णु श्री हरि का आराधना करें। अब देखो छोटा सा लड़का है, उसने ये कह दिया, उसको लगता है वो खुद तो ऐसा था नहीं, जो कुछ भी वो था वो आलिंगित रहता था और वो समझता था और वो सबको देख के दुखी होता था कि देखो सब लोग कितने आसक्ति में पड़े हुए हैं, छोटे छोटे चीज़ों में उनको भय होता है, डर होता है, दुख होता है, ईर्ष्या होती है, ये सब होता रहता है, सब बहुत ज़्यादा तरसते हैं सब चीज़ों से। तो उसने जब उसके पिताजी ने पूछा तब बोले कि मुझे तो यही लगता है, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। अब मानिए क्या बोला उसने, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात्मपातम गृहम अंधकूपम वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। बोला कि गृहम अंधकूपम, ये घर जो है वो अंधकूप है, अंधकूप मीन्स वो एक कुआं जो कि एकदम अंधकार है, बहुत गहरा है और उसमें गिर जाने से क्या होगा और ऊपर आने की कोई वजह नहीं होगी, हम लोग गिर ही जाएंगे। बोल रहे कि ये गृह जो है वो अंधकूप समान है, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता देख खोजता भी नहीं है। तो इसमें से निकलने के लिए क्या करना चाहिए, हरिम आश्रयता, श्री हरि का शरण लेना चाहिए। तो उसके पिताजी तो बड़े गुस्से हो गए, अरे ये क्या, मेरा बेटा जो है मैं तो विष्णु को एकदम अपना शत्रु मानता हूँ और ये देखो मेरा बेटा हरि का आश्रय लेने का बात कर रहा है, ये कहाँ से सीखा ये सब। तो दोनों टीचर को बुला के उनको तो पहले खूब डांटे, अरे तुम लोग ने क्या सिखा दिया इसको। तो टीचर बोले पता नहीं हमने तो कुछ सिखाया नहीं। तो हरिणाकशिपु बोले अगर तुमने नहीं सिखाया तो बाहर से कोई आके सिखाया है क्या। तो ये सब जब होने लगा तब वो हिरण्यकशिपु टीचर दोनों जो उनके उसके टीचर्स थे उनको बोले कि ठीक है तो उसको अच्छी तरह पढ़ाओ। तो टीचर्स ने उनसे फिर पूछा कि अरे तुमने ये सब कैसे कह दिया, हमने तो कभी तुम्हें ये सब सिखाया नहीं है, हमारे ये स्कूल में रह करके तुम तो एकदम दूसरी बात कह रहे हो। तो उसने क्या कहा, उसने बोला कि ऐसी बात नहीं है, प्रहलाद ने अपने दोनों जो अध्यापक हैं उनको कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो भगवान के कृपा से ही, मेरे में भेदभाव नहीं है, मैं भगवान के कृपा से सबको समान देखता हूँ, मैं हूँ और मेरा है, मेरे से अलग और कुछ है ये तो मैं देखता ही नहीं हूँ। और ये जो भगवान की इच्छा से ही मेरे मन में भगवान के प्रति एक आकर्षण होते रहता है, वो भी भगवान की इच्छा से ही होता है, जैसे चुंबक और लोहा होता है ना, उसी तरह मेरा मन भगवान के प्रति हमेशा खींचते जाता है।
तो गुरु पुत्रों ने तो गुरु ने तो उनके दो गुरु और वो दोनों पुत्रों जो थे पुत्र गुरु के जो पुत्रों थे शुक्राचार्य थे उनके गुरु और उनके जो दो पुत्र उनके टीचर थे वो टीचर्स ने तो उनको बहुत डांटा खूब डांटा बेथलाओ पिटाई की उसकी फिर बोले तुम तो कलंक हो हमारे कुल के तुम्हें फिर ये सब बोल के भी फिर से शिक्षा देने लगे और कुछ दिन सिखाने के बाद वो प्रहलाद को लेके उसकी प्रहलाद की माँ के पास ले गए कि इसको अभी हमने अच्छी तरह सिखाया है तो आप इसको सजा दीजिए उसको अपने उसके पिताजी के पास ले जाएंगे। उसके माँ ने उसको बहुत अच्छी तरह सजा दिया और पिताजी के पास वो दोनों टीचर्स उसको ले गए। फिर उसके पिताजी खूब खुशी से उसको गोद में बिठा के बहुत प्यार व्यार करके बोले बेटा बोलो तो तुमने जो कुछ भी सीखा है उसमें सबसे उत्तम क्या है। उसने क्या कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम्। उसने बोला क्या बोला कुछ कुछ तो समझ में आया ही ना आप लोगों को। उससे उसको पूछा उसने जो कुछ भी तुमने सीखा है सबसे अच्छा क्या है बताओ। उसने बोल दिया श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो भगवान विष्णु का श्रवण करना कीर्तन करना स्मरण करना पाद सेवनम करना उनका जो सेवनम अर्चना करना वंदन करना और उनका दास रूप से रहना उनको अपना सखा मानना और आत्मनिवेदन करना अपने आप को समर्पण कर देना। क्या है भाई हम आपके हैं हम आपके हैं और किसी के नहीं हैं। हो सकता है हम घर गृहस्थी में हैं सब कुछ हम करते हैं जो जो हमारी ड्यूटी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सब करेंगे पर हम आपके हैं। और किसके लिए ड्यूटी कर रहे हैं उसको हम समझते हैं मेरा है ना वो भी आपके ही हैं। घर में जो कोई भी है माँ बाप सोचते हैं कि ये बच्चे मेरे हैं उनके लिए हम काम कर रहे हैं। हो सकता है वो माँ दोहराती हैं कि हे भगवान मैं आपकी आपकी पर ये नहीं समझते हैं कि जिनके लिए वो काम करती हैं कि जिनको जिनका पालन पोषण कर रही है कि पिताजी भी जो कुछ भी करते हैं जॉब करते हैं पैसे लाते हैं सबको अच्छी तरह रखते हैं किसके लिए परिवार के लिए। वो कौन है वो मेरे नहीं हैं वो भी आपके हैं। ये भावना आत्मनिवेदनम तो इसने ये तो बोल दिया। उसने बोला क्रियेत भगवत यद्धा तन्मन्ये अधीतम उत्तमम जो कुछ भी मैंने अधीत किया है जो कुछ भी मैंने सीखा है उसमें उत्तमम यही है। बाप रे सोच सकते हैं उसके हिरण्यकशिपु का क्या चेहरा बन गया। वो तो लाल हो गया एकदम उसको पटक दिया गोद से एकदम लेके पटक दिया पूरा और शंड और अमरक को बुला के उनको पे खूब डांटे और बोले ज़रूर तुमको तुम लोग नहीं जानते हो तुमको दिख नहीं रहा है ज़रूर कोई ना कोई बाहर से आता होगा और इसको सिखाता होगा नहीं वो कैसे नहीं तो ये सब सीख लिया है ये ज़रूर कोई शत्रु का काम है। तो वो लोग तो बोले हाथ जोड़ करके महाराज ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ना तो हमने सिखाया है ना कोई और ने सिखाया है न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येष तवेंद्र शत्रु नैसर्गिकीयमतिरस्य राजन नियच्छमन्युम कददास्ममानः। उसने बोला न मत प्रणीतम नहीं 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 हमने नहीं सिखाया किसी और ने भी नहीं सिखाया महाराज समझ में आ रहा है कि इसकी स्वाभाविक भाव यही है कि ये भगवान विष्णु को बहुत भक्ति करता है। फिर और क्या होगा फिर धीरे धीरे ये भी फिर हिरण्यकशिपु फिर उसको बोले कि तुम ये बताओ तुम्हारा जब अगर स्वाभाविक धर्म यही है फिर भी तुम बताओ कि तुमको कैसे ये सब सीखने को मिला है। तब उसने कहा कि पिताजी
हम देखते हैं कि ये जो मनुष्य है ना, ये संसार के लोग एक ही कर्म को बार बार करते हैं। सुबह उठते हैं, कामकाज करते हैं, रात को सो जाते हैं, फिर अगले दिन उठते हैं, अपना काम करते हैं, खाते पीते हैं, कमाते हैं, जो कुछ भी है, फिर रात को सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं। तो ये जो है कर्म, ये है जो कुछ भी चर्बन किया है उसी को चबाते रहते हैं, चूइंग द कड। जैसे गाय नहीं करते हैं, वो कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद बैठ के वही खाते ही रहते, खाते ही रहते, खाते ही रहते। किसी को ये नहीं लगता है कि ये जीवन है क्या, इस जीवन में और कुछ सीखने को है क्या, जानने को है क्या। इस जीवन में जो हमको, हम सुख दुख का चक्र में चलते रहते हैं, जो कि सुख दुख आते ही रहेगा, उसमें किस तरह हम सुख दुख के ऊपर चढ़ के अविचलित रख सकते हैं, किस तरह हम भक्ति, अनन्य भक्त हो सकते हैं। अभी हम भक्त समझ रहे हैं आपको, पर भक्तों का गुण क्या है? अगर हम अपने आप को भक्त समझते हैं, फिर हम भयभीत क्यों होते हैं, फिर हम दुखी क्यों होते हैं, फिर क्यों हम किसी और का सुख देखने से हमको ईर्ष्या होती है, क्यों हमको तृप्ति नहीं है, संतुष्टि नहीं है? एक भक्त को ये सब तो होना चाहिए, ये सब प्रश्न उनके मन में होता ही नहीं है। तो ये जो गृहासक्त व्यक्ति हैं, उनकी जो बुद्धि है वो ऐसी होती है। और इनको चाहे वो खुद सोचे, चाहे उनको कोई सिखाए, चाहे वो खुद का जो मनन है कि और किसी ने उनको समझाया है, ये किसी भी तरह इनकी मन भगवान की ओर जाता नहीं है, थोड़ी देर के लिए जाता है। जैसे कल मेरे को कोई कह रहा था कि थोड़ी देर के लिए जाता है, बाकी हर समय दूसरा 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 कुछ हम सोचते रहते हैं। इसमें हताशा की कुछ बात नहीं है, निराशा का कुछ बात नहीं है, मनुष्य जन्म ऐसा ही है, उसी लिए तो ये सब रचा गया है, उसी लिए तो सब किताबें हैं। इसमें बताते हैं कि मानव जीवन ऐसा ही है, पर वो उस मानव जीवन को किस तरह सोचने से हम कुछ आगे भी बढ़ सकते हैं, यही बताया है। फिर बोलते हैं कि उनको ये बात मालूम ही नहीं है कि हमारा परम स्वार्थ क्या है, परमार्थ क्या है, एक मनुष्य जीवन पाते हुए परमार्थ क्या है, ये मालूम भी नहीं है। और उनको जो, उनका जो परिवार है, उनके जो स्वजन हैं, बंधु लोग हैं, उनको भी मालूम नहीं है। उसी लिए जब आपस में चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, वो जो परमार्थ की रास्ता वो दिखा नहीं पाते हैं। उनको इस जो अंधकूप है उसमें से उठाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पाते हैं। और ये भी बोले, प्रहलाद बोल रहे हैं अपने पिताजी को, और पिताजी सुन रहे हैं लाल लाल होकर के, बोले कि जब तक ऐसे लोगों के संग ना करें, कौन से लोग? तत्ववित। उस दिन हमने पढ़ा था ना, तत्ववित, जिन्होंने भगवत लाभ किया है, तत्वज्ञान लाभ किया है, आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान लाभ किया है, ऐसी कोई व्यक्ति का संग ना करें, उनसे ना सुने, और उन्होंने जो कुछ भी बोला है उसको हृदय ना करें, उनकी चरण धूलि में स्नान ना करें। क्या मतलब? ऐसी एक व्यक्ति के पास जाओ जो तत्वविद हैं, जो जानते हैं और जो तुमको समझा सकते हैं, और उनको चरण धूलि ले लो, उससे स्नान करो। ऐसा करने से ही मनुष्य को इस पथ पे चलने की थोड़ी सी इच्छा होती है। आप सभी लोग धन्य हैं, समझ रहे हैं? विवेक चूड़ामणि में क्या बोलते हैं, दुर्लभम त्रयमेव एतत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। तीन चीज जो है
वो बहुत दुर्लभ है इस मनुष्य जीवन में. क्या है, एक तो मनुष्य जीवन, हम लोग कुछ भी हो सकते थे, कीड़ा मकड़ा, कीट पतंग, पक्षी, वो सांप को कुछ भी हो सकते थे, पर हमें मनुष्य जीवन दिया गया है. मन बुद्धि है हमारी, और मनुष्यत्वम जो है वो दुर्लभ है, सुदुर्लभ है. उसके बाद क्या बोलते हैं, मुमुक्षुत्वम. मनुष्य जीवन होने पर भी, ये अभी जो बताया है प्रहलाद ने, वो रोज़ रोज़ एक ही काम करते रहते हैं, उसी तरह जीवन बिता के एक दिन मर भी जाते हैं. उनको कभी नहीं लगता कि इस ये जो एक जीवन हम बिता रहे हैं जिसमें हमको कितना सारा सफरिंग होती रहती है, इससे हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ये प्रश्न भी नहीं करते हैं. ये ऐसे ही लोग ज़्यादातर होते हैं, पर जो थोड़ा सा समझे हैं और जिनको लगता है कि मैं इसको पार कैसे करूं, मैं अपने आप को बहुत लगता है कि हम बंधे गए हैं, हमारे में बहुत कुछ ऐसी त्रुटियां हैं जिसके कारण हमें दुख होते रहता है कि हम गुस्से वाले हैं, कभी हमको हमें हमेशा कुछ ना कुछ मिलने की आशा रहती है और नहीं मिलने से हम या तो गुस्से हो जाते हैं, नहीं तो निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं. हमारे में बहुत सारे ऐसी टेंडेंसीज हैं, किसी को प्यार नहीं कर पाते हैं, किसी को गला नहीं लगा पाते हैं, सबको समान रूप से देख नहीं पाते हैं, सबको खुश नहीं कर सकते हैं. ये सब बातें तो होती है ना सबकी, एक 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 सबकी कुछ ना कुछ होता है. तो जब कोई आदमी सोचता है कि मेरे को इन सब से मुक्त होना है, एक फ्रीडम मिलनी चाहिए, उसको कहते हैं मुमुक्षा, मुक्ति की इच्छा. मुक्ति का इच्छा हमने पहले भी समझाया था, ये नहीं कि देह से मुक्ति, इन सब अवगुणों से मुक्ति. तो वो मुमुक्षा, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम. फिर तीसरा क्या है, ये दोनों चाहे हुआ भी, तीसरा भी होना चाहिए, वो क्या है, महापुरुष संश्रयः. एक महापुरुष का संश्रय होना चाहिए, उनके पास आना, उनका आशीर्वाद लेना, उनसे कुछ बात करना, प्रश्न पूछना, कि वो जो कहते हैं वो सुनने का जो भाग्य मिलना, उनका प्यार मिलना, ये है महापुरुष संश्रय. जो कि उनके पास आने से आपको ज़रूर, आप नहीं कहते हुए भी, आपको आपका जो स्तर है, आपका जो दुख है, उससे कि आप में जो एंग्जाइटी वगैरह है, भय है, उससे आपको ऊपर उठाने का कोशिश वो स्वाभाविक रूप में करते रहते हैं. हमारे आश्रम में कितने लोग आते हैं, आके ठहरते भी हैं, आपको भी हम सबको कहते हैं आश्रम आइए, ठहरिए कुछ दिन. और वहाँ पे क्या है, जब लोग आते हैं ना, देखने से ही पता चलता है, कई लोग बहुत दुख लेके आते हैं, फेस जो होता है ना उनका काला पड़ा हुआ होता है, कुछ हुआ होगा, धीरे धीरे वो बोलने लगते हैं. और स्वामी जी हमेशा बोलते हैं, यहाँ से जाने से पहले हंस हंस के जाना. अब जो लोग ठहरने के लिए आते हैं, मानिए दो तीन दिन के लिए आए हैं, दो तीन दिन में वो होता है. कुछ लोग आते हैं जो सुबह आए हैं, शाम को चले जाएंगे, तो तब स्वामी जी के साथ बात करने से हमने देखा है, जब जा रहे हैं हंस हंस के जा रहे हैं. ऐसे लोग भी आते हैं जिनको एकदम कुछ दिन पहले एक बेटे का डेथ हुआ है, कि हस्बैंड का डेथ हुआ है, कि बहुत ऐसी कुछ घटी है जो कि बहुत ही दुखदाई था, ऐसे लोग भी आते हैं तो जाते हैं. सिर्फ यही नहीं, कुछ लोगों के मन में ना बहुत स्वाभाविक रूप से एक हताशा, निराशा, जैसे कि कुछ नहीं है, कुछ भी पाने का नहीं है, ऐसी सोच होती है, वो लोग भी खुश हो के चलते हैं. क्यों? क्योंकि एक सत्संग में आ जाते हैं, एक महापुरुष के पास में आते हैं, जिनका काम ही है क्या, देखने से ही समझ जाते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है और इसको हम इससे उठाएंगे. उसी को बोलते हैं अहेतुकी. कुछ पाने का नहीं है, ये नहीं कि हमको इसने बहुत फल फूल लाया है उसीलिए उसको बोलेंगे, ऐसा नहीं है, जो कोई भी हो उसके लिए. तो ये क्या हुआ, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः. इसमें भी प्रहलाद अपने पिताजी को बोल रहा है कि मनुष्य की जो मन की गति है ना वैसी है,
वो लोग अपना भला नहीं समझते हैं और भले के लिए कुछ करते भी नहीं हैं। उनको क्या करना चाहिए? भगवान के प्रति उनकी मन, तभी वो भक्ति की तरफ बढ़ेगी जब वो कोई ऐसे तत्वविद या आत्मतत्वविद के पास जाएंगे, उनकी पद धूलि से स्नान करेंगे और उनका कुछ सुनेंगे, तब उसका मन भगवान की ओर धीरे धीरे जाएगा। ये ना, हम तो थोड़ा थोड़ा इधर उधर से बोल रहे हैं ना, ये भागवतम में कितना कितना सुंदर सुंदर कहानी है। एक है देवहूति और कपिल देव का। कपिल देव था देवहूति का बेटा। देवहूति के जो पति थे वो चले गए संन्यास लेके। उन्होंने कहा ही था जब लड़का बड़ा हो जाएगा तब मैं चला जाऊंगा संन्यास लेके। पति करदम ऋषि थे, तो वो चले गए। तब जाके देवहूति उनको लगा कि यार इतना दिन मैंने क्या किया है, मैं सिर्फ ये इंद्रिय सुख के पीछे बिता दिया है। बच्चों को बड़े किए, लड़कियां थी उनकी शादी कराई, लड़का भी हुआ है। वो कपिल देव जो थे ना, वो भगवान विष्णु के अवतार थे। तो तब उनको लगा कि अरे अब तो मेरे को जो जीवन में श्रेय जो है, परमार्थ जो है, वो बताने के लिए अब कोई है नहीं। अब कौन मुझे बताएगा, देखो मैंने तो पूरा जीवन को बिता दिया है ऐसे करके। तो वो अपने बेटे के पास जाके बोला कि बेटा देखो मैंने तो ऐसा करके जीवन बिता दिया है, तुम मुझे उपदेश दो कैसा करके हम तो बुद्धू स्त्री हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा बुद्धि है नहीं, बहुत सहज रूप से, सरल रूप से, और जो हम कर सके उस तरह हमको कुछ बताओ ताकि हम भक्ति में अनन्य भक्त बन करके मुक्त हो जाए। तो उसमें बताते हैं कि सुनना चाहिए, जैसे आप सुन रहे हैं ना, श्रवण का हमने बताया था उसमें, वो जो पहले बताया था किस तरह सुनना चाहिए, मनन करते करते सुनना चाहिए और अपने में उसको लागू करते करते सुनना चाहिए। जैसे ही हम सुनते रहेंगे ना, तब क्या होगा, उस पे श्रद्धा बढ़ती रहेगी, श्रद्धा बढ़ेगी, श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। पहले श्रद्धा होगी, जब श्रद्धा होगी तब क्या होगा, वो दोबारा सुनने के लिए आएंगे, दोबारा सुनने से, तीसरी बार सुनने से अच्छा लगेगा, तब उसमें एक दिलचस्पी बनेगी। अब दिलचस्पी जब बनेगी तब ना धीरे धीरे जिस विषय के ऊपर सुना जा रहा है उसके ऊपर भक्ति हो जाएगी। और यहाँ पे तो हम या तो या आत्मा के बारे में बोलते हैं, न भगवान के बारे में बोलते हैं। तो श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, एक के बाद एक के बाद एक बढ़ता जाएगा। और भक्ति होने के बाद क्या होता है, जैसे ही भक्ति बढ़ेगा, किसके ऊपर भक्ति, माँ बाप के ऊपर नहीं, बच्चों के ऊपर नहीं, जगत के ऊपर नहीं, बॉस के ऊपर नहीं, टीचर के ऊपर नहीं, किसके ऊपर, भगवान के ऊपर भक्ति। भगवान कौन है, वही ईश्वर है जिससे ये सृष्टि हुई है, जो हमें संरक्षण करते हैं, पालते हैं पोसते हैं और जो संहार भी करते हैं। ये जो भगवान है, जो सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, इसी भगवान के बारे में हम सुन रहे हैं और उनके ऊपर भक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है। और भक्ति जब बढ़ती है तब क्या होगी, भक्ति जैसे भगवान के ऊपर बढ़ेगी तब जगत के ऊपर जो भक्ति है ना, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, है कि नहीं। वो होता ही है, आप देखेंगे कि बहुत कुछ ना, जब पहले अच्छा लगता था अभी वो निस्सार लगता है। जब आप सत्संग में आना शुरू करोगे तब देखेंगे कि बहुत कुछ धीरे धीरे निस्सार हो जाता है, वो इतना अच्छा, इतना अट्रैक्शन नहीं होता उसके ऊपर। तो जगत के ऊपर विरक्ति आने लगेगी। अब विरक्ति से डरना नहीं है, नहीं कि विरक्ति से आपको कोई बोलेगा कि आप जाके पहाड़ में चले जाओ कि गुफे में चले जाओ, वहाँ पर ध्यान लगाओ, ये नहीं है। विरक्ति का अर्थ ये है, हम आसक्ति में नहीं रहेंगे। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम सब में आसक्ति करके बैठते हैं, मैं और मेरा, मैं और मेरा, छोड़ नहीं पाते हैं। बेटे की शादी कर देते हैं पर छोड़ नहीं पाते हैं,
उसमें जाके इंटरफेयर करने लगते हैं, सब कुछ में। बच्चे होते हैं, बच्चों को सब तरह से ऑलराउंडर बनाना है, तो इधर ट्यूशन कराओ, उधर ट्यूशन कराओ, एक में थोड़ा कम हो गया तो माँ बाप इतना चिंतित हो जाते कि उनका ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यही तो होता है ना, वो क्या है, आसक्ति है। आप जितना करना है उतना करिए, और थोड़ा सा भी छाड़ भी दीजिए, छोड़िए भी थोड़ा। तो ये क्या बोल रहे थे, भूल ही गए। हाँ, भक्ति ही विरक्ति ही। तो भक्ति जैसे बढ़ेगी विरक्ति भी बढ़ेगी, उसके बाद विरक्ति जब होने लगेगी ना, तब क्या होगा, अभी जैसे मन में किस चीज़ का चिंतन रहता है, परिवार का, अपना परिवार का, जगत का, और बाद में क्या होगा, जैसे वो कम होती जाएगी, सभी में हमको भगवान दिखने लगेंगे। शुरू में हमने बोला था ना, एक तो है अपने में आत्मा को जानो, आत्मा का अनुभव करो, और वही आत्मा को बाहर सब में देखना है, उसी को देखना है। तो भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोधः, भगवत प्रबोधः। तो पहले श्रद्धा, सुनते 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 उसमें दिलचस्पी, फिर दिलचस्पी के बाद क्या हो, उसमें एक रति जो है दिलचस्पी, फिर उसमें भक्ति हो जाएगी, जो विषय में सुन रहे हैं दिलचस्प, वो भक्ति के बाद विरक्ति और भगवत प्रबोधः, भगवान को हम अनुभव करेंगे, अनुभव कर पाएंगे। तो ये धीरे धीरे, ये एक भक्त भक्त हो, एक साधक हो, उसके जीवन में धीरे धीरे होता रहेगा। तो ये सारा कुछ इसने कहा कि पिताजी को ये सब कहने के बाद पिताजी तो बहुत गुस्से हो गए, हिरण्यकेशिपु, और उन्होंने सोचा ये तो हमारे कुल को ही नाश कर देगा, तो इसको मारा जाए। तो बहुत तरीके से, बहुत उपाय करके उसको मारने का कोशिश किया, पर वो प्रह्लाद को भगवान ने रक्षा किया। जो कुछ भी उसके ऊपर बीता, वो एकदम सब कुछ में समभाव से, समर्पण भाव से रहा। सिर्फ वही नहीं, उस समय प्रह्लाद का चित्त परमात्मा में लगा हुआ था। ये हुआ ना समर्पण। हमको भी ऐसा होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए बोलने से क्या है, होता नहीं है, पर होने की एक इच्छा मन में होनी चाहिए। हमने पहले बोला कि मुमुक्षा होनी चाहिए, क्या होने की इच्छा, वो इच्छा पहले हो जाए। अब जब इच्छा करते हैं ना, सब कुछ हम लोग पहले इच्छा करते हैं, फिर हम उसके पीछे प्रयत्न करते हैं कि हमें लगता है कि हम एक आज कुछ खाएंगे, मानो आज एक ऐसी सब्जी खाएंगे, तो बाज़ार जाते हैं, वो सब्जी लाते हैं, फिर उसको तैयार करते हैं, खाते हैं। वो छोटा सा एग्जांपल बताया, सब कुछ के लिए पहले मन में इच्छा, फिर उसके ऊपर काम। तो ये सब सुन के, अगर आप सुन रहे हैं, सुनने से आपको अच्छा लग रहा है, हमेशा मन में ये भी सोचना कि ये हमें भी हो जाए, हम कैसे इसको करेंगे। तो थोड़ा जो इच्छा आप मन में लाएंगे ना, उसी से ही बहुत कुछ हो जाएगा। तो उसको अब क्या हुआ, प्रह्लाद को बहुत मारने का कोशिश करते हुए भी वो तो बच गए। फिर ये हिरण्यकेशिपु सोचने लगे, तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसको क्या किया जाए। फिर शंड और अमरक जो टीचर्स थे, उन दोनों को बुलाए, तो उन दोनों ने कहा कि महाराज अभी ना आप कुछ मत करिए, आपका जो ये बेटा है ये बहुत अस्वाभाविक है, ये साधारण नहीं है, असाधारण है। और हमारे गुरु हैं शुक्राचार्य जी, वो अभी बाहर गए हुए हैं, उनको आने दीजिए, फिर उनसे हम पूछा करेंगे कि इसको क्या करना है। तब तक आप शांत हो जाइए और हम लोग उसको और भी सिखाते रहेंगे। तो फिर हिरण्यकेशिपु ने छोड़ दिया प्रह्लाद को, उसके जो टीचर्स हैं वो फिर से पढ़ाने लगे। अब जो पढ़ाते थे प्रह्लाद को, तो वो सब अच्छा नहीं लगता था, वो निस्सार समझते थे। फिर वो क्या करते थे प्रह्लाद,
जैसे ही उसके टीचर्स बाहर जाते थे, पानी पीने हो, किसी और कारण हो, सब क्लासमेट्स को बुला के, बंधुओं को बुला के, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो टीचर्स नहीं है, मेरी बात सुनो, वो सब बात सुनना नहीं है, वो सिर्फ हमको क्या सिखा रहे हैं, अर्थ और काम, कैसा करके पैसा रोजगार करना है और चीज़ें लानी है, संचय करना है, यही सिखा रहे हैं, और कैसा करके हम लोग भोग करेंगे वही सिखाते हैं, और कुछ नहीं सिखाते। पर ये तो बात ठीक नहीं है, क्योंकि हम ये जो चीज़ें हैं ये सब नाशवान हैं, इससे सुख मिलेगी नहीं, ये सब कुछ नाश हो जाएगा, और जिसको हम सुख समझते हैं वो सुख है ही नहीं, उस सुख के साथ दुख जो है वो मिश्रित है। फिर क्या हमको करना चाहिए, चलो हम बताएंगे। तो उसने बोला कि देखो प्यारे मेरे मित्रगण, देखो ये कौमार आचरेत प्राज्ञों धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवम अर्थदम। वो भी यही बोल रहे हैं कि हमारे मित्रगण सुनो, ये मानुष जन्म जो है ना, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, एक तो आप लोग भी समझिए, हम उस समय ना कुछ और चले गए थे, हम बोल रहे थे कि आप लोग सब धन्य हैं, किस लिए बोला था कि प्रह्लाद ने बोला कि जब तक कोई एक ऐसे तत्वविद के पास ना आ जाए, उनके पद धूलि से अपने आप को स्नान ना कराए, तब तक ये सब सुनने में दिलचस्पी नहीं होती, भगवान के विषय में सुनने में। तो हमने कहा कि आप सभी लोग, हम सभी लोग धन्य हैं, क्योंकि आपको दिलचस्पी बन गई है, उसीलिए सुन रहे हैं, सुनने के बाद मनन करके कितना आगे बढ़ेंगे वो आपके ऊपर है, पर सुनने के लिए जो एक प्रीति हुई है ना, वो बहुत बहुत ही अच्छा है, और सभी लोग धन्य हैं। तो वो अपने जो मित्रों को बताता है कि देखो ये मनुष्य जन्म जो है वो दुर्लभ है, और अध्रुवम अनित्य है, पर ये मनुष्य जन्म से ही हमें भगवान मिलना चाहिए, आत्मा को जानना है, और इसको ये जो एक साधना है ये बचपन से करना चाहिए। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब क्या होगा, तब शरीर में रोग जरा ये सब होता रहेगा, तब मन उसमें नहीं रहेगा, उसीलिए बचपन हम जब बालक रहते हैं तभी से भगवत प्राप्ति के साधन के लिए हमें कोशिश करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। फिर वो बोलता है कि मनुष्य जन्म में भगवान के चरण में शरण लेना, अपने आप को समर्पण करना एकमात्र सफलता है। यथा ही पुरुषस्येह विष्णोः पादोपसर्पणम् यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत। बोलता है कि देखो बंधुगण, देखो भगवान के चरण में अपने आप को समर्पण करना चाहिए, समर्पण परिवार के लिए नहीं, दूसरे चीज़ों के प्रति नहीं, भगवान को समर्पण करना चाहिए। और समर्पण हम बोल रहे हैं, दोहराएंगे नहीं, समर्पण क्या है, मैं आपका हूँ, ये एक सेंटेंस समझना और उसको पी जाना, वो हो जाना, मैं आपका हूँ, आपके सिवा और कुछ है ही नहीं, ये बात को ध्यान में रखते हुए उसको आत्मस्थ कर लेना। तो वे बोलते हैं क्योंकि भगवान जो है वो समस्त प्राणियों की ईश्वर हैं, आत्मेश्वर, वो सबसे प्रिय हैं और सबके सुहृद भी हैं, सबके सुहृद, सुहृद क्यों है, मित्र हैं सबके। फिर बोले, बता किसको बता रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं, सुखमैन्द्रियकं यद्दैत्या देह योगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुःखमयत्नतः। उसने बोला देखो दुख के लिए हमको किसी को प्रयत्न नहीं करने से भी दुख आ जाता है, कोई दुख के लिए प्रयत्न करता है नहीं, कोई नहीं करता, पर दुख आता जाता है, उसी लिए सुख के लिए भी प्रयत्न करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सुख भी आता ही रहेगा, दुख आएगा उसके बाद सुख आएगा, दुख चला जाएगा सुख आ जाएगा, हम सुख के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, इंद्रिय सुख, जितना सुख मिला है उसके लिए और आगे आगे करते रहते हैं।
पूरा समय हम उसी में बिता देते हैं। तो बता रहे हैं कि देखो जैसे दुख प्रयत्न के बिना हमको मिलता रहता है, उसी तरह भगवान के नियम से सुख भी जो है वो भी मिलता ही रहेगा। उसीलिए उसके पीछे भागना नहीं, पर भागना कहाँ है, तुम ये सुख के पीछे भागो मत, उसके लिए इतना समय मत बिताओ। समय किसके ऊपर बिताना है, भगवान की आराधना करके। हे भगवान, सब कुछ में तुम हो, तुम ही एक हो, तुम सर्वव्यापी हो, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब तुम हो, तुम्हारे बिना कुछ नहीं है, ये भाव। ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावन्न विपद्येत पुष्कलम्। ये जीवन जो है वो उसमें भय ही भय है, और अगर हमें निर्भयता प्राप्त करना है तब क्या करना है, तब भगवान के लिए कोशिश करना है, भगवत प्राप्ति के लिए। किस समय करना है, जब हमारे में हम लोग बच्चे हैं, जब आयु बढ़ जाएगा तब हमसे नहीं होगा, तब बहुत कुछ और विपत्तियां सामने आ जाएगी जब नहीं कर पाएंगे। क्यों बता रहे हैं, जो बच्चे हैं उनमें बहुत उत्साह भी होता है, शरीर में शक्ति भी होती है, और जब बड़े हो जाते हैं तब क्या, शरीर में या तो व्याधि या नहीं तो कुछ ऐसी सांसारिक स्थिति, जैसी जैसी परिस्थिति है उसी की चिंतन, भगवान की चिंतन होती नहीं है। तो उसने बोला कि एक मनुष्य जो है उसका जो कुछ जीवन है उसमें आधा तो सो सो के चला जाता है, पूरा अंधकार में अज्ञान में हम सोते रहते हैं, बाकी जो आधा है उसमें कुछ समय हम लोग एकदम बच्चे रहते हैं, सिर्फ खेलकूद करते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है, हित क्या है अहित क्या है कुछ नहीं समझ में आता। फिर यौवन है, कौमार है, ये सब में भी हम लोग अच्छी तरह क्या सटीक है क्या नहीं है वो नहीं जान पाते हैं, अपने लिए क्या श्रेय है वो समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद जितना बाकी रहता है उसमें जरा और व्याधि, उस समय हम लोग कैसे भगवान का सोचेंगे, कैसे चिंतन करेंगे, और चिंतन भी होता है तो भी मन हमेशा ऐसी ऐसी चिंताएं करती है जो पूर्ण होने वाली नहीं है, ऐसी कामनाएं, हमने वो चाहा था, देखो जीवन इतना बीत गया है मुझे मिला ही नहीं, भगवान ने दिया ही नहीं, कि नहीं तो किसी और को दोषी ठहराते हैं कि मेरे पति ने मेरे को कभी ये सब दिया ही नहीं, कि मेरे को कहीं लेके ही नहीं गए, ऐसी ऐसी चिंताएं। तो ये जो घर के प्रति, द्वार के प्रति, परिवार के प्रति एक आसक्ति है, इसी में प्रमत्त रह जाते हैं। कल हमने एक श्लोक बोला था ना कि जैसे दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासश्च नोत्पद्यते, ये सब जन्म जरा मृत्यु और व्याधि, ये सब कुछ विपत्ति देख के भी लोगों को लगता नहीं है कि हमें कुछ और करना चाहिए, इससे कैसे बच के रहेंगे। तो ये सब बोलते हुए प्रहलाद छोटा सा लड़का है, वो क्या करना चाह रहा है, जो अपने समान बच्चे हैं उनको उत्साहित कर रहा है कि भगवान की चिंतन करो, भगवान की स्मरण करो, और ये नहीं सोचना कि हम प्रहलाद की स्टोरी सुन रहे हैं। किसको कहा जा रहा है, पूरे मनुष्य समाज को बताया जा रहा है, प्रहलाद के थ्रू हम लोगों को बताया जा रहा है कि हमको भी ऐसा करके समझना चाहिए, जो हमारा जीवन है इसी तरह हम लोग आसक्त हैं। तो बोला कि जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है वो घर गृहस्थी में आसक्त माया ममता की दृढ़ रस्सी में बंध जाते हैं, अपने आप को छुड़ा ही नहीं सकते, और क्या करते हैं, जैसे घर में क्या होता है, पत्नी प्रियतमा पत्नी है, पत्नी का सान्निध्य है, उसकी प्रेम भरी मीठी मीठी बातें हैं, कथम प्रियाया अनुकंपिताया, फिर भाई बंधु मित्र की स्नेह, छोटी छोटी नन्हे नन्हे बच्चों की आलिंगन, उनकी मीठी मीठी बोल, इसमें बंध जाते हैं।
तो सारा दिन अगर इसी के चिंतन में रहते हैं तो कैसा करके भगवान के चिंतन में रहेंगे, ये बता रहे हैं। तब क्या करना है, करना क्या है? आप तो सब घर गृहस्थी से आते हैं ना, उन्हीं के बीच में रहना है, तो करना क्या है? आप तो दूर नहीं जा सकते, छोड़ के नहीं जा सकते, और जाएंगे भी कहाँ? तो कहते हैं जो कोई भी है उनमें आप भगवान को देखिए। समझ में आया? अगर घर गृहस्थ में ही रहना है, पति पत्नी भाई बंधु स्वजन इनके बीच में रहना है, बच्चों के साथ रहना है, उनके साथ व्यवहार करते हुए उनमें भगवान है ये बात को याद रखते हुए काम करिए। इतना तो कर सकते हैं ना, करने की कोशिश तो कर सकते हैं, ये बताया जा रहा है। तो नहीं तो अगर हम ये ना करें तो क्या होगा, हमेशा ही दुख में हम रहेंगे। ये जीवन क्या है, तापत्रय, आध्यात्मिक आधिदैविक आधि भौतिक और आध्यात्मिक दुख। ये दुख से हम जर्जरित हैं, आध्यात्मिक दुख से जर्जरित हैं, आधिदैविक या आधि भौतिक ना भी हो आध्यात्मिक दुख से हम जर्जरित हैं। आध्यात्मिक दुख क्या है, मन की दुख, किसी ने हमसे अच्छी तरह बात नहीं किया, व्यवहार नहीं किया, किसी ने हमारा सोचा नहीं, किसी ने मेरे दुख को समझा नहीं, हम क्या चाहते हैं वो नहीं समझे, ये जो बातें, ये जो मन की दुख हैं, ये सभी को होता है, इसी से हम दुखित भी रहते हैं। तो कह रहे हैं कि हमें जो चाहिए, हमें इससे हट करके भगवान के लिए हमें अपना मन प्राण ध्यान सब देना है। क्या बोला, ये सब बता के बच्चों को बोलता है प्रहलाद कि मित्रगण देखो, न ह्यच्युतम प्रीणयतो बह्वायासो असुरात्मजाः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः। उसने बोला कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता है। हमने अभी आपको ये समझाया, क्या समझाए प्रह्लाद ने, उनके मित्रों से क्या कहा, मित्रों से ये बहुत कुछ समझाया कि अगर तुम बचपन से ये सब नहीं सोचोगे, मनन नहीं करोगे कि मनुष्य जीवन में क्या क्या होता है, कैसे हम लोग बंध जाते हैं, कैसे आसक्त हो जाते हैं। उद्धव ने क्या कहा था कृष्ण को कि मैं बंध गया हूँ, मैं और मेरापन से मैं बंधा हुआ हूँ, उसीलिए मेरे को छोड़ने को मन नहीं कर रहा है, हमको बहुत डर लग रहा है। मुझे आपकी जो चिंता है, जो आप कह रहे हैं मेरे बारे में सिर्फ सोच करके तुम निकलो, वो नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा भी नहीं कर पा रहे हैं। और आप लोग को सभी को मालूम है कितने समय आप पूजा करते हैं, 1 घंटा, बाकी समय क्या करते हैं, दूसरी चर्चा। वो कुछ चर्चा तो ज़रूरी है जो अपने परिवार के लिए है, पैसे लाने हैं, परिवार को देखना है, बच्चों को पढ़ाना है, खाना पीना देखना है, ये सब कुछ है, वो तो ठीक है। आप सोचिए उसके अलावा भी जो समय है आप किस, क्या सोच सोच के बिताते हैं, भगवान के बारे में नहीं। अगर भगवान के बारे में भगवान भगवान करके ना बिताएं, जप करते हुए ना बिताएं, एटलीस्ट ऐसे तो बिता सकते हैं कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, जो भी चिंतन मेरे में है, वो सभी भगवान है। ये भी तो नहीं करते हैं, करते हैं क्या, ऐसे भी तो नहीं सोचते हैं, सोचते हैं क्या, नहीं। अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कश्मलम दुख कारणम चिंतय आत्मानम आनंद रूपम यन मुक्ति कारणम। अनात्म चिंतनम हम करते रहते हैं, भगवान की चिंतन, आत्मा की चिंतन, सभी कुछ में आत्मा है, ये जो एक भाव, इसका चिंतन।
हम लोग कर सकते हैं पर नहीं करते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं, उसी लिए नहीं करते हैं। एक तो पहली बात, हमको कोई बचपन से सिखाता नहीं है। देखो प्रहलाद बचपन से सिखा रहे हैं बच्चों को, हम लोगों को किसी ने सिखाया नहीं है। इसलिए इतने सालों से एक जो हमारी अभ्यास हो गई है नहीं करने का, सिर्फ जगत का ही सोचने का, भगवान का नहीं सोचना, जगत के साथ भगवान का जो संपर्क है उसको नहीं सोचना, ये तो किसी ने सिखाया नहीं है, उसीलिए नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमको सीखना है। तो ये जो है इसमें प्रहलाद बोलता है कि ये इसके लिए बहुत परिश्रम करने का कुछ है नहीं। भगवान सब प्राणियों में है, आत्मा के रूप में है, उसीलिए इसमें कुछ भी उनके लिए जो सोचना है वो बहुत परिश्रम वाली बात नहीं है। वो सभी में है, छोटे में है, बड़े में है, अणु में है, परमाणु में है, पंचभूत में है, गुणों में है, प्रकृति में है, सब कुछ में है। एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान है सब कुछ में। एक एव परो ह्यात्मा भगवान ईश्वरो अव्ययः, प्रत्यगात्मस्वरूपेण दृश्य रूपेण च स्वयं। बोलते ये प्रत्यगात्मा, ये आत्मा के रूप में है, अंतर्यामी है, और अंतर्यामी भी है और दृश्य के रूप में भी वही है। अंतर जो है वही भगवान दृश्य रूप में भी है, सभी जगह है। ये भाव से तुम भगवान के बारे में हर एक काम करते हुए सोचो। ये बहुत कठिन है क्या? क्या बोल रहे हैं आप? कोई उत्साह हो रहा है ये करने का? हाँ हो रहा है, ऐसे ही बोल रहे हैं। केवल अनुभवानंद स्वरूप परमेश्वर, वो केवल अनुभव स्वरूप हैं। अब सुनिए, जब तक ना आप ये शब्दों से मिलेंगे नहीं, अनुभव स्वरूप हैं, उनको अनुभव कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। चुपचाप बैठ के उनको अनुभव करिए, वो अपने अंदर में है। प्रत्येगात्मा, मेरी जो आत्मा है वही है भगवान, ऐसा एक सोच के किसी भी समय दिन में ये तो करिए, ये तो करना पड़ेगा, तभी ना समर्पण हुआ। केवल अनुभवानंद स्वरूप परमेश्वर बोल के प्रह्लाद क्या बोलता है, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम भावमासुरमुन्मुच्य यया तुष्यत अधोक्षजः। बोला कि मित्रगण, इतना तो हमने कह दिया है, बहुत आसानी से हम भगवान की आराधना कर सकते हैं, उनका सोच सकते हैं। उनको तुष्ट करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना होगा? भक्त बनना है। और भक्त का लक्षण क्या है? वो लक्षण हमें लानी चाहिए, उस वो लानी होगी भक्त के लक्षण। भगवान जिस भक्त को पसंद करते हैं, प्रिय वो हैं, जैसे भक्त, वो भक्त का लक्षण हमें मिलनी है। और हमारे में जो असुर भाव है, असुर लक्षण है, वो सारा हमें हटाना है। भगवद गीता में भी यही बोला है, 16 चैप्टर में, दैवासुर संपद विभाग योग। दैव संपत्ति क्या है, अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ क्या है, अच्छे अच्छे गुण क्या है, वो हमें लाना है। और असुर भाव जो कुछ भी है, क्या क्या असुर भाव है उस कुछ सबको पता है, जैसे लोभ है, मोह है, फिर असूया, मात्सर्य, ये सब जिससे दूसरों को चोट पहुंचता है। सिर्फ वही नहीं, जिस जैसा होने से, जो सब अवगुण होने से हमें भी खराब लगता है, अपने में ये अवगुण देखना हम पसंद नहीं करते हैं, पर उससे हम छुटकारा भी मिलता नहीं है। तो असुर भाव को दूर करो और अच्छे अच्छे जो गुण हैं उनको लाओ। ये हम शुरू के दिन से बोले आ रहे हैं कि भगवान की भक्त होने के नाते भगवान किस भक्त को पसंद करते हैं, कैसे भक्त को पसंद करते हैं, कौन से भक्त भगवान के प्रिय हैं, वो हमें जानना चाहिए और उसको करना चाहिए।
और भगवान का सुनके 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 क्या होता है, एक हम एक बताना चाहते हैं, है ना। हम अभी आपको बता रहे थे कि ये बहुत प्रहलाद बोल रहे हैं ना, बहुत आसान है, एकदम आसान है। भगवान को हमेशा सोचना, उनका आराधना करना, उपासना करना, कुछ भी बहुत प्रयत्नशील नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें कि जैसे हम जो कुछ भी काम हम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कि व्यवहार में जो कुछ भी है, उसके साथ भगवान का जो एक याद, सिर्फ याद नहीं, उसमें उस ज्ञान में अपने आप को प्रतिष्ठा करना कि ये भगवान का ही है, ये बार बार दोहराते हुए, ये एक छोटा सा काम है, ये हम कर सकते हैं, ये हम बार बार बोलना चाहते हैं कि ये बहुत कठिन नहीं है। ये प्रहलाद भी वही बोल रहे हैं कि ये कठिन नहीं है। और कैसा करके करेंगे, इसके लिए जितना आप सुनेंगे, जितना आप मनन करेंगे, जितना आप आपस में बातचीत करेंगे इसी के विषय में, तब क्या उसमें बहुत रति होगी, श्रद्धा, रति, भक्ति, ये सब बढ़ती रहेगी और वो आसान हो जाएगा। तो प्रहलाद इसके आगे बच्चों को ये बोल रहे हैं कि सुना करो, भगवान के बारे में सुना करो, उनका भजन किया करो, उनको याद रखो, हर एक चीज़ में उनको याद करो। इस ज्ञान से मई अर्पित मनोबुद्धि ही, मन और बुद्धि का प्रयोग करके ये जो ज्ञान मिला है कि भगवान सब कुछ है, कि आत्मा ही सब कुछ है, सर्वव्यापी है, इस ज्ञान से हमें च्युत नहीं होना है, रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। ऐसा करके भगवान का जो कोई भक्ति करेगा, तब आखिर में क्या होता है, वो भगवत प्राप्त हो जाते हैं, भगवत प्रबोध वो होता है। उसमें क्या होता है, उनके मन में बाकी जो चीज़ों की चिंतन रहती है ना, उसी लिए ना भगवान को देख नहीं पाते। हमारे अंदर, हमारे अंतरात्मा के रूप में, भगवान कहिए, अंतरात्मा कहिए, वह है ही है, वही हमारे जीवन को जीवित बना रहे हैं, सब कुछ संजीवित किए हुए हैं। अब ये अंतरात्मा को हम क्यों नहीं समझ पाते हैं, इसलिए कि मन में और भावनाएं, और चिंताएं, कामना, वासना, ये चाह, वो चाह, ये सब जो मन की जो बहुत सारी क्या बोलते हैं, जाल है ना, वो सब मन को घिरे रहता है, उसी लिए हम देख नहीं पाते। जैसे मानिए एक बर्तन है, जिस बर्तन में बहुत अच्छा एक क्लियर पानी, स्वच्छ पानी है, उसमें आपने एक पत्थर रख दिया, आप अगर देखेंगे तो पत्थर को अच्छी तरह देख पाएंगे। अगर आप ऐसा करके अपना फेस को झुकाएंगे, अपना फेस भी दिख जाएगा। मानिए उसमें आप थोड़ा सा उस पानी को चला देते हैं हाथ से, तो क्या होगा, उसमें लहरें आ जाएंगी, तब उस पत्थर को देख पाएंगे ठीक से, कि अपना फेस को देख पाएंगे, नहीं पाएंगे। उसी तरह जब मन शांत है, समस्त अवगुण मुक्त है, जब मन में जो एक कामना, वासना, चिंताएं की जो हमेशा लहरें आती रहती हैं, उसके कारण मन शांत नहीं होता, हमेशा चाह, डिज़ायर और एक्सपेक्टेशंस, जिसको कामना और वासना बोलते हैं, उसके कारण मन अशांत रहता है। उसी लिए आत्मा जो हम हैं, हमारा स्वरूप है, उसको हम देख नहीं पाते हैं। मन अब शांत हो जाएगा, तब क्या होगा, तब वो अपने आप प्रकट हो जाएगा, हमारा स्वरूप समझ में आ जाएगा। उसी लिए करना क्या है, बोल रहे हैं प्रहलाद कि भगवान का सुनो, कि आत्मा का सुनो, सुन सुन के उसमें दिलचस्पी बढ़े, उसमें तुम मग्न हो जाओ, लीन हो जाओ, और तब क्या होगा, मन में जो कुछ भी
वासना, कामना, इच्छाएं, जो कुछ भी है मन को अशांत करते रहता है, मन में जो कुछ भी अवगुण है जो मन को अशांत करते रहता है, सब कुछ बीज समय दग्ध हो जाएगा। समझ में आया? अगर कोई बीज है, हम अगर ऐसे फेंक भी देते हैं तो उससे एक पौधा निकल आता है, मानिए उसको हम जला देते हैं, उसको फिर फेंक दिया, तब पौधा नहीं निकलेगा। वो बीज समेत दग्ध होने जैसा, जैसे बीज को दग्ध करने से उससे पौधा नहीं निकलता है, उसी तरह जब अगर हम इस भगवान का सुन सुन के उसमें दिलचस्पी लाएंगे, अपने आप को सचमुच के एक भक्त का भक्त बनाएंगे, अनन्य भक्त के जो लक्षण हैं वो भी अपने में लाएंगे, कोशिश करेंगे भगवान के साथ युक्त रहने का, नित्य युक्त रहने की कोशिश करेंगे, तब क्या होगा? वैसा ही होगा, मन में भगवान की जो नित्य युक्तता, वो कभी उससे हमें हम हटेंगे नहीं, वो हमेशा वो युक्तता रहेगी। और वो युक्तता जब रहता है तब क्या होता है, जैसे प्रह्लाद को हुआ था, क्या हुआ था प्रह्लाद को? गोविंद परिरंभिता, वो हमेशा आलिंगित समझते थे अपने आप को। इसमें भी वो बोल रहे हैं कि अगर आप भगवान के बारे में ऐसा सुनेंगे, सोचेंगे और ये युक्त रहने की जो प्रक्रिया है, ये से ये नहीं, हमको लगता है कि हम समझा ही नहीं पा रहे, आप लोग को नहीं समझा पा रहे कि ये सिर्फ सुनना नहीं है, ये सब पढ़ना नहीं है, ये सुन के बहुत आनंद हुआ ये भी नहीं है, इसको करने से धीरे 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 वो नित्य युक्तता रहेगी आप में। आप हमेशा कुछ भी करें, आप कहीं भी जाएं, चाहे आपको कुछ अच्छे स्थिति में मिले, कोई अच्छी स्थिति नहीं भी है, जो कुछ भी है, हमेशा आपको लगेगा कि आप भगवान से आलिंगित हैं, आलिंगित है, सब कुछ सुंदर लगेगा, सब कुछ आनंदित लगेगा। ऐसी एक स्थिति वो हो सकती है और बहुत आराम से हो सकता है, सिर्फ इच्छा चाहिए, इच्छा धीरे धीरे बढ़ाएंगे तभी होगा। तो फिर क्या बोलता है कि कोति प्रयासो असुर बालका हरे रूपासने स्वे हृदय छिद्रवत् सतः स्वस्यात्मन सख्युरशेष देहिनाम सामान्यतः किं विषयोपपादनैः। वो फिर से बोलता है कि मेरे बंधुगण, फिर से हम बोल रहे हैं, सुनो ना, ये भगवान जो है ना, वो हम अपने हृदय में आकाश के समान है। जैसे भगवान, हम सर्वव्यापी किसको सोच सकते हैं, हम तो सर्वव्यापी नहीं हैं, जड़ पदार्थ, आकाश को ही हम देखते कि सर्वव्यापी है, तो ये भगवान जो है हमारे हृदय में है और आकाश के समान सब जगह है, हमारे हृदय में भी है। और उनका भजन करने के लिए कौन सा विशेष परिश्रम है? नहीं है, बार बार बोल रहे हैं प्रह्लाद, बोल रहे हैं कि इसलिए हम कह रहे हैं कि ये समान रूप से समस्त प्राणी में अत्यंत प्रेमी एक मित्र के रूप में है। हम तो नहीं समझते ना, हम दूसरे मित्र को मित्र समझते हैं, अब भगवान को मित्र समझेंगे तभी ना, वो सबसे ज़्यादा मित्र हैं, उनके पास हम कभी भी पहुंच सकते हैं, इतने निकट हैं कि हम कभी भी पहुंच सकते हैं। उसी लिए कहते हैं कि भगवान के साथ बात करना चाहिए, भगवान को भय नहीं करना चाहिए, भगवान को सिर्फ श्रद्धा के आसन में नहीं रखना चाहिए, भगवान को अपना बनाना चाहिए, जिसके साथ हम रोज का बात कर सकते हैं, उससे बात करिए, उसको कुछ अच्छा अच्छा सुनाइए, भजन सुनाइए, कभी गुस्सा हो जाए तो उससे गुस्सा कर लीजिए, उसको डांटना होता है तो डांट दीजिए कि तुमने क्यों ऐसा किया मेरे साथ, पर उस प्रेम से, शिकायत से नहीं, प्रेम से, ये जान के कि ये मेरे अतीव निकटतम हैं। जैसे हम अपने माँ बाप के साथ नहीं होते हैं, उनको कुछ भी कह सकते हैं, भाई बहन के साथ कह सकते हैं, हम इतना कैलकुलेट करके बात नहीं करते हैं ना भगवान से, पर ज़्यादातर हम भगवान समझते हैं कि कहीं और हैं,
उनको जाके पूजा करना है, मंदिर में जाके पूजा करना है। मंदिर में एक विग्रह है, पत्थर का बना हुआ विग्रह है, जो पहाड़ से काट के वो मूर्ति बनी है। उस पहाड़ को देख के हम विग्रह नहीं समझते हैं, वो भगवान नहीं समझते हैं, वो विग्रह को ही समझते हैं कि ये भगवान है। तो क्या बोल रहे हैं, सब जगह है भगवान, कुछ भी देखो वो भगवान, सभी सोच में भगवान, सभी इमोशंस में भगवान, सब कर्म में भगवान। ये एक बात, ये ना बीच बीच में सोचना चाहिए। फिर बोलते हैं कि ये सब छोड़ करके, ये अपने आत्मा है, इनको छोड़ करके बाकी भोग सामग्री के पीछे दौड़ने का क्या फ़ायदा है, क्यों दौड़ेंगे हम। वो समझा रहे हैं ना बच्चों को, क्योंकि वो तो बच्चे ही हैं ना, कभी खिलौना मांगते होंगे, कभी कुछ खाने के लिए मांगते होंगे। तो बोल रहे हैं कि वो जो कुछ भी मांग रहे हैं हम लोग ना, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ये आत्मा जो है, भगवान जो है, यही सब कुछ है, इन ये मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। राय कलत्रम पशव सुतादयो गृहामही कुंजर कोश भूतयः सर्वेर्थ कामा शन भंगुरायुषः कुर्वन्ति मर्तस्य कियत् प्रियं चलाः। बोलते हैं ये सब कुछ जो है नाशवान है, पति पत्नी, फिर बच्चे, अपने जो कुछ भी, पुराने ज़माने में पशु, घोड़ा हाथी ये सब होते थे ना, वो सब अभी गाड़ी, फोर व्हीलर टू व्हीलर कह सकते हैं आप, फिर बच्चे, घर, भूमि, अगर आपके पास बहुत सारे ज़मीन भी है, वो हाथी घोड़ा जो कुछ भी है, अपने ट्रेजरी में बहुत पैसा भी है, ये सारा कुछ अर्थ कामा है। ये सब कुछ आपको सिर्फ कुछ समय सुख दे सकता है, पर क्या है, क्षणभंगुर आयुषः, क्षणभंगुर है, कुछ समय तक ही दे सकता है। अगर है भी, अगर आपको बीमारी हो गई तो क्या होगा, कोई परिवार की डेथ, परिवार में किसी की डेथ हो गई अचानक तो क्या होगा, वो पूरी तरह उनको सुख नहीं दे सकते। तो बोल रहे हैं तो ये सब सुख से क्या होगा, ये सब पाके क्या होगा, ये है मनन। हम उस दिन बोल रहे थे ना, सब कुछ करिए, सब कुछ करिए, जानते हुए कि कुछ किसी समय कुछ भी जा सकता है। ये तभी समर्पण हुआ कि जब जाएगा तब हमारे मन रेडी है जाने के लिए। एवं हि लोका क्रतुभिकृता अमि शैष्णव सातिशयान निर्मलाः तस्माद् अदृष्टश्रुतदूषणं परं भक्त्यैकयेशं भजतात्मलब्धये। इसमें प्रत्यक्ष में हमको जो कुछ भी मिला हुआ है, मानिए बहुत कुछ मिला हुआ है, हम उससे खुश होते हैं, फिर हम लोग पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, पुण्य करते हैं, सोचते हैं कि इतना पूजा वूजा कर लिया है हमको स्वर्ग में जाके बहुत कुछ मिलेगा। वो स्वर्ग, स्वर्ग का जो सुख है वो भी एक दिन समाप्त हो जाता है, उसका भी छोटा बड़ा ऊंचा नीचा होता है, वो भी हमेशा रहने वाला नहीं होता है। तो ये निर्दोष जो हैं वो सिर्फ परमात्मा ही निर्दोष है, और उनमें किसी ने ना दोष देखा है ना किसी ने सुना है। उस परमात्मा के प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति से परमेश्वर का भजन करना चाहिए। ततो भजध्वम हृदये हृदीश्वरम, ये जो हृदीश्वर है, कहाँ है भगवान, अपने हृदय में है, उनका भजन करो, उनका भजन करो, ये बोला है। फिर बोले हैं कि नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजा, उनको भजना करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। प्रसन्न करने का बात क्यों हो रहा है, कल हमने श्लोक पिया था, पढ़ा था ना, लोकेश चैतन्य मयादि देवा, उसमें हमने क्या सीखा कि जहाँ भी जो कुछ भी हम कर रहे हैं भगवान की प्रीति के लिए कर रहे हैं, तो भगवान के प्रीति के लिए कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उसके लिए कोई
ये नहीं है कि हमको ब्राह्मण बनना है, कि हमको देवता है बनना है, कि ऋषि होना है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, सदाचार नहीं चाहिए, बहुत व्रत नहीं करना है, बहुत पूजा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, दान नहीं करना है, तप तपस्या नहीं करना है, यज्ञ नहीं करना है, व्रत नहीं करना है, क्योंकि भगवान एक चीज़ से प्रसन्न होते हैं, वो क्या है? प्रियते अमलया भक्त्या हरिरन्यद विडम्बनम्। अमल भक्ति से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अमल भक्ति से। और बाकी जो कुछ भी है, अमल भक्ति क्या है? भक्तों का लक्षण, भक्तों का जो गुण है, वैसे एक भक्त जिनमें वो 12th चैप्टर में पढ़िए फिर से आप, अभी तो समय नहीं है उसको, मेरे को पढ़ाने का समय नहीं है, वो देखिए सब जगह देखिए कि भक्तों का लक्षण क्या होना चाहिए, कैसे कैसे लक्षण होने से भगवान कहते हैं कि ये भक्त मेरा बहुत प्रिय है। वो सारे लक्षण अगर हम लाएंगे तब वो भक्ति भी अमल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, निर्मल। वैसी भक्त अगर पूजा हम चढ़ाते हैं, क्या बोल रहे हैं? प्रियते अमलया भक्त्या हरिरन्यद विडम्बनम्। बाकी जो कुछ भी है, अगर हम भक्ति सोच करके भगवान को बहुत कुछ चढ़ाते हैं, वो सारा दिखावट है, दिखावट है। समझे? समझ रहे हैं? पूजा वूजा खूब धूमधाम करके हम लोग पूजा करें करते हैं, खूब तपस्या करते हैं, व्रत भी करते हैं, कई लोग हैं बहुत हर एक महीना में व्रत रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं, वो सब निष्फल है जब तक आप भक्तों की जो लक्षण है उसको ना अपनाएंगे। वो क्या है? समभाव, समभाव, और भगवान को अपने में जानना, सभी जगह भगवान को देखना, ये है जो अपने समान जानकर भगवान सर्वत्र विराज है इसको जानना। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसस्वार्थ परस्मृतः एकांत भक्तिर्गोविंदे यत्सर्वत्र तदीक्षणम्। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसस्वार्थ परस्मृतः एकांत भक्तिर्गोविंदे यत्सर्वत्र तदीक्षणम्। तो इस संसार में यही चीज परमार्थ है। क्या है? एकांत भक्ति गोविंदे, भगवान में एकांत भक्ति। और एकांत भक्ति में इसको हमेशा मन में याद रखना है, एकांत भक्ति तभी होगी जब हम अनन्य भक्तों के लक्षण को प्राप्त करेंगे। वो क्या है? अहैतुकी, भगवान की से कुछ भी पूछना नहीं है, कुछ भी नहीं चाहना है, कुछ नहीं चाहना है, सबको प्रेम करना है और समत्व भाव रखना है, सदा संतुष्ट रहना है, किसी अपने व्यवहार से वाक्यों से किसी को चोट नहीं पहुंचाना, निंदा स्तुति मान अपमान सभी में समभाव। ये जो भावनाएं हैं ना, ये है एकांत भक्ति की लक्षण। और क्या करना है? वो ऐसा अगर होगा तब क्या होगा? यत सर्वत्र तदीक्षणम्। और वो भगवान जो सब जगह हैं, सब जगह विराजमान हैं, वो जानना और सब उसी भगवान को सब जगह देखना, ये हुआ समर्पण। तो इसके लिए फिर हम आएंगे, हम तो एक स्टोरी की सहाय लिए हैं, पर हम तो जानना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या करना है। इसका महत्व हमने समझा है, समर्पण की जो महत्व है वो हमने सोच समझ लिया, पर हमें क्या करना है? ये 3 दिन आप लोगों ने सुना, बहुत कुछ सुना, पहले भी 3 दिन के लेक्चर्स हुए थे उसमें भी सुना, पर हम क्या कर सकते हैं ये हमें जानना है। तो ये जो है इसके लिए हम तो कहेंगे कि बहुत सिंपल, सभी लोग मन में एक इच्छा रखिए कि अभी हमारी भक्ति, जिसको हम भक्ति सोचते हैं, अभी हम जान गए हैं कि भक्तों की कुछ लक्षणें होती हैं,
वो क्या क्या है, वो सब गुण हम अपने में लाने का कोशिश करेंगे। वो चाहे आप भगवद गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, कहीं पढ़िए, आपस में डिस्कस करिए। मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। कलम ने बताया था भगवद गीता से कि मच्चित्त होने के लिए, भगवतमय होने के लिए आपस में बातचीत करें, आपस में डिस्कस करें। ये सब बातें डिस्कस करना है, अब ये नहीं कि और बातें जिसमें कोई किसी के लाभ इतने नहीं है। कुछ बातें तो हमको करना पड़ता है, करना पड़ता है ना, जीवन के लिए करना ही पड़ता है, जीवन को बिताने के लिए करना ही पड़ता है। ऑफिस में जाते हैं, बातें करते हैं, कुछ भी, पर बहुत कुछ बातें हम ऐसा करते हैं जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसको कम कर देना चाहिए। और उस समय क्या करेंगे, ये सब चिंतन करना चाहिए। तो ये हुआ एक। दूसरा है, जीवन को ना सुंदर, शांत, समर्पित करने के लिए एक अपने में एक डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है, सात्विक होना। सात्विक क्या है, आप सब कुछ सात्विक कर सकते हैं, चिंतन सात्विक हो सकता है, ऐसे ऐसी चिंतन ना करें जिससे मन बहुत विक्षेप हो जाए, कि क्षुब्ध हो जाए, क्षोभ हो जाए, अशांत हो जाए, ये सब ना करें भी, कि ऐसे चिंतन जिससे आपको लगेगा कि वो मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझे और चाहिए और चाहिए, ये बात नहीं, शिकायतें नहीं, ये सब ना करें। चिंतन हुआ, फिर वाक्य, वाक्य कैसा होगा, वाक्य में भी बहुत सात्विक भाव हम रख सकते हैं। किस तरह की बात हम करते हैं, किस टोन से बात करते हैं, किस स्वर से बात करते हैं, मेरे बातों से किसी को चोट पहुंचता है क्या। एक ही बात हम लोग ना कभी कभी आघात करने के लिए वैसी बात करते हैं, हमको हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा कुछ हिट करके बात करेंगे। तो अगर कोई भक्त है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि भगवान ने कहा है यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते च, यह मेरे बातों से, मेरे कर्मों से किसी को चोट नहीं पहुंचना चाहिए। तो अपने में चिंतन कर करके, मनन कर करके, कहाँ पे हम अपने आप को सुधार सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी। और हम तो कहेंगे कि बहुत आनंददायक है, ये किसके ऊपर किया जा रहा है, ये आपको ये नहीं बोला जा रहा कि कहीं बैठ के ध्यान लगाइए, कहीं बैठ के जप करिए, कहीं बैठ के एक पाठ करिए, नहीं बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप को सुंदर करने के लिए, अपने अपना जो एक सुंदर चित्र है ना अंदर, स्वरूप जो है वो बड़ा सुंदर है, और वो बाहर प्रकट नहीं हो पाता है हमारे, हम उसको ऐसा करके पर्दा डाल के रखते हैं और चीज़ों से ढक के रखते हैं कि वो सुंदर प्रकटित नहीं हो पाता। तो वो ही भाव कि मेरे को ये करना है, इसमें आनंद आएगा। और वाक्य हो गया, फिर क्या, अपने व्यवहार, व्यवहार का को भी हम सुधारें। और एक्टिविटी, जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें चिंतन, जैसे हम जागेंगे हम सोचेंगे कि एक जो हैं सर्वशक्तिमान, उसी के कारण हमको जीवन मिला है, उसी के कारण मेरे सारे भाव हैं, उस भाव के साथ हम समर्पण करते हैं, और हमेशा हम युक्त हैं, युक्त हैं, युक्त हैं, युक्त हैं, युक्त हैं, ये नित्य युक्तता, नित्य युक्तता, नित्य युक्तता, इसका जप करते रहें कि हम युक्त हैं आपसे, हम आपके, आप मेरे सर्वप्रथम प्रिय हैं, उसके बाद मेरा संसार है। इस भाव में हमें चढ़ना चाहिए, अभी तो ऐसा नहीं है, पर उसको उधर हम चढ़ सकते हैं ऐसी भाव में। फिर और भी सात्विक, जैसे सात्विक कर्म क्या है, सात्विक बुद्धि क्या है, सात्विक बोलचाल क्या है, सात्विक तपस्या क्या है, मन की तपस्या क्या है, शारीरिक तपस्या क्या है, फिर वाचिक तपस्या क्या है। तपस्या ये नहीं है कि आप पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या लगाइए, ये नहीं, शारीरिक तपस्या, मन की तपस्या। मन की तपस्या है कि मन हमेशा सौम्य भाव में रहे, मन प्रसाद भाव से रहे,
सौम्य भाव, शांत भाव से रहे, वो तपस्या, वो जब हम कोशिश करेंगे ना, तब होगा कि तब अपने आप को भी अच्छा लगेगा। फिर दृश्य भी सुंदर होने चाहिए, घर में जैसे घर को सजाते हैं सात्विक भाव से सजाइए, जो आप ड्रेसेस पहनते हैं वो भी सात्विक हो, बहुत ऐसी जो राजसिक कलर्स होती हैं वो ना पहने, ऐसी पहने ताकि अच्छा लगता है मन को प्रसन्नता। आहार, आहार सात्विक होना चाहिए, आहार सात्विक होने से पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है, और जब आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, जब पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है अगर शुद्ध आहार है, उसीलिए हम शुद्ध आहार भोजन पवित्रीकरण करते हैं ना। तो देखिए जैसे भोजन पवित्रीकरण आप कई लोग देखते हैं कि हम रोज करते हैं, जब करते हैं आप लोग भी घर में इसको कर सकते हैं, घर में जो कुछ भी खाना बनता है एक छोटा सा प्लेट में सब कुछ रख के भगवान को चढ़ा सकते हैं, और कभी भी उसको एक रूटीन मत मानना, पूरा भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए कि भगवान आपने मुझे खाना दिया है, हम कितने भाग्यशाली हैं, कईयों को तो खाना ही नहीं मिलता है, आपकी इच्छा से आज हमको खाना मिल रहा है, आपका आभारी हैं हम, और ये खाना जो कोई भी खाए ये सब पवित्र हो जाए, ऐसा करके जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं भगवान से कहिए। कभी हम कहेंगे, कभी जैसे हमारे मन में भी आता है कि कितने लोगों को खाना नहीं मिलता है, हम लोग कभी कभी खाना बहुत ज़्यादा खाने को मिलता है, कई लोगों को मिलता ही नहीं है, तो भगवान उनका भी कुछ करिए, ऐसी भाव, जब ये भाव बहुत ज़्यादा हो जाता है तब जाके आप औरों के लिए कुछ करने को आपको मन करेगा, है ना। उस दिन हम एक कोई आए थे, वही है इतने हमको देख के लगा कि बहुत आँख में दुख है, देखने से हमको लगा, तो हम पूछताछ कर रहे थे, बहुत कष्ट से जीवन चलाते हैं, बच्चे हैं, इतना ज़्यादा इनकम नहीं है, बहुत कष्ट से जीवन चलाते हैं, तो दुख जो है आँख में ना तब दिख जाता है, तब उनके लिए कुछ करने को मन करता है। तो ऐसी तरह ना हम सात्विक, हम कैसे भगवान को सब जगह देखेंगे, कैसे देखेंगे, ऐसा करके जब हम चिंतन करते हैं, भगवान को देखने का कोशिश करते हैं, सब में भगवान है ये समझने का कोशिश करते हैं, तभी होता है। एक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया एक फोल्ड के हम ख़त्म करेंगे, भागवत में ही है, एक राजा थे सुयज्ञ, वो राजा युद्ध करते हुए मर गए, अब उसकी जो सारे बंधु परिजन सब लोग, इतने बड़े राजा थे, इतना कुछ उसका जो वो स्थान मुकुट वगैरह वो सब कुछ गिरा हुआ था, सब जगह से ब्लीडिंग हो रही थी, ऐसा करके गिरे पड़े हैं, तो सब आ गए, पहुंच गए उनकी मंत्रियां, पहुंच गए और राज्य से सब लोग, उनकी जो रानियां थी सब आके उनके ऊपर गिर पड़े, इतने रो रहे थे और इतने रोए कि वो देह को सत्कार करने के लिए नहीं अलाउ नहीं कर रहे थे। तो तब जो एक नारद ऋषि, वही एक ब्राह्मण बालक के रूप में उधर से आए और उनको कहा कि अरे आप लोग तो बड़े बेवकूफ़ हैं, इतना क्यों रो रहे हैं, किस लिए रो रहे हैं, आप ये कहेंगे ना कि ये चले गए हैं और ये अभी मेरे से बोल नहीं रहे, रानियों से कह रहे थे, आप आपको लग रहा होगा कि ये तो आपसे बोलते नहीं, बोल नहीं रहे हैं, आप जब बुला रहे हैं ये उत्तर नहीं दे रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि हम आप लोग आपका सेवा किया करते थे, आपको कितनी खुशी होती थी हमारी सेवा से, अब आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये आप जो बोल रहे हैं और रो रहे हैं इसका कारण क्या है, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ पर मेरे को तो समझ में है, अगर आप यही कह रहे हैं कि आप बुला रहे हैं उत्तर नहीं दे रहे हैं, पर जिसके साथ आप बात किया करते थे जब वो जीवित थे, वो बॉडी तो अभी भी है, बॉडी तो अभी भी है, तो आपको दुख क्यों हो रहा है, जब वो आपको उत्तर दिया करते थे उसके अंदर जो आत्मा थी वो अभी नहीं है,
बॉडी गिर गया है, आत्मा है पर बॉडी गिर गया है, पर जो आपके साथ बातें किया करते थे, जिसके कारण वो जीवित रहते समय आपके साथ बात कर पाते थे, उस समय तो आपने ये कभी भी नहीं सोचा कि किस चीज़ के कारण ये मेरे साथ बात कर रहे हैं। समझ में आया? अगर आप उस समय सोचते थे कि मैं तो इस आदमी के साथ बात कर रहा हूँ, मैं पति के साथ बात कर रहा हूँ, तो वह पति तो अभी भी है, उसका बॉडी तो अभी भी है, आप क्यों रो रहे हैं अभी, ऐसा करके बोला। तो ये बात है, हमने छोटा इसका बताया और लंबा है ये, बात यही है, हम यही कह रहे हैं। ये सब सुन के पढ़ के हमको ये सीखना चाहिए कि जब हम किसी के साथ, मानिए हम बोल रहे हैं कि अब भगवान के रूप में सबको देखो, जब किसी को देखते हैं जिसको हम पसंद करते हैं नहीं पसंद करते हैं, एक भाव इसके अंदर जो एक आत्मा है, उसी के कारण ये अभी जीवित है, ये अभी बातचीत कर पा रहे हैं, हम भी कर पा रहे हैं, इसी के कारण हम संजीवित है। ये एक जो भाव है ना, इस सब हमेशा, और उसमें वो धीरे धीरे आप सात्विक भाव लाएंगे तो ये सब समझना बहुत आसान भी होगा, इच्छा भी होगी, दिलचस्पी होगी और खूब आनंद आएगा। ये साधना है, ठीक है। जय शंख गदाधर नीलकलेवर पीतपटांबर देहि पदम। जय शंख गदाधर नीलकलेवर पीतपटांबर देहि पदम। जय भक्त जनाश्रय मंगल कारण अंतिम बांधव देहि पदम। जय भक्त जनाश्रय मंगल कारण अंतिम बांधव देहि पदम। जय शंख गदाधर नीलकलेवर पीतपटांबर देहि पदम। विरचिताभयं वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संस्रुतेर्भयात् करसरोरुहं कांतकामदं शिरसि धेहिनः श्रीकरग्रहं। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततम् भुवि गृणन्ति ते भूरिदाजनाः। तव कथामृतं तप्तजीवनं तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं। जो भगवान की कथा है ना, वो तप्त जीवन के लिए, हमारे जीवन में जो कुछ भी तापत्रय है और सब कुछ दूर करने के लिए, कल्मशाप हम समस्त त्रुटियाँ अशुद्धियाँ दूर करने के लिए है। श्रवण मंगलम, उस सुनने से मंगल होता है। श्रीमदाततम, और भगवान जो है वो सब जगह व्याप्त है, ये एक फीलिंग होती है। और जिए वो जो ये सब भगवान की कथा बोलते हैं वो बहुत ही धन्य धन्य है, तो हम धन्य हैं।